वेलकम टू रेलवे की यूट्यूब चैनल आज हम बात करेंगे चैप्टर टेन ऑफ रेलवे एक्ट 1989 जो कि कहता है स्पेशल प्रोविजंस एज टू गुड्स बुकड टू नोटिफाइड स्टेशन तो हम बात करते हैं सबसे पहले सेक्शन 88 का जो ये कहता है कि क्या क्या डेफिनेशन है एसेंशियल कमोडिटीज का नोटिफाइड स्टेशन का और स्टेट गवर्नमेंट का तो बेसिकली सेक्शन एटी जो है डेफिनेशन प्रोवाइड करता है एसेंशियल कमोडिटी जो कि सेक्शन टू ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 एक एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है 1955 का जिसके सेक्शन टू में एसेंशियल कमोडिटीज का डेफिनेशन दिया हुआ है नोटिफाइड स्टेशन का मतलब हुआ कि सेक्शन 89 में जो भी स्टेशन डिफाइन uh, किया गया उसको हम नोटिफाइड स्टेशन कहेंगे तो सेक्शन 89 में उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है कि दिस स्टेशन इज़ नोटिफाइड स्टेशन बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया स्टेट गवर्नमेंट जिस स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जिस स्टेट में वो स्टेशन सिचुएटेड uh, है उसको हम कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट इन रिलेशन टू दैट नोटिफाइड स्टेशन तो सेक्शन एटी एट डिफाइन सर्टन वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज इन चैप्टर टेन पावर टू डिक्लेयर नोटिफाइड स्टेशन तो ऑबियसली सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर है कि वो किसी स्टेशन को नोटिफाइड स्टेशन डिक्लेयर कर सकती है बेस्ड ऑन सर्टन क्राइटेरिया जैसे कि द वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक नेचर एंड क्वान्टिटीज़ ऑफ गुड्स फॉर कॉजिंग स्कॉसिटी ऑफ सच गुड्स कि जिससे कि वो इसेंशियल कमोडिटीज बन जाता है द नंबर ऑफ वागन लाइकली टू बी हेल्ड अप एट सच रेलवे स्टेशन कितने वागन्स उस पर लगेंगे कितने वागन्स लगेंगे उसको रिमूव करने में लाने में क्विकली डिस्पोज करने में तमाम सारी चीज़ों को इसमें ध्यान रखा जाता है एंड अदर सच फैक्टर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब प्रिस्क्राइब फॉर टाइम टू टाइम तो इन सारे प्रोविजंस को देखते हुए एक स्टेशन को नोटिफाइड स्टेशन के रूप में डिक्लेयर कर दी कर देती है सेंट्रल गवर्नमेंट और वो एक स्टेट गवर्नमेंट के जुरुडिक्शन में आता है और साथ ही साथ जो है जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके जुरुडिक्शन में आता है तो यहाँ कमेंट देख लेते हैं सेक्शन एटी नाइन सेक्शन वन इम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिक्लेयर ए स्टेशन टू बी नोटिफाइड स्टेशन फॉर द पर्पज ऑफ रिमूविंग कंसाइनमेंट विदाउट डीले अंडर द सर्कमस्टांसिस स्पेसिफाइड मतलब सेक्शन 89 के अंदर ये इम्पावर की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप किसी स्टेशन को डिक्लेयर कर सकते हैं नोटिफाइड स्टेशन किस लिए फॉर द पर्पज ऑफ रिमूविंग कंसाइनमेंट कंसाइनमेंट को रिमूव करने के पर्पज़ से जिससे कि किसी तरह से डीले ना हो या डीले हो तो जो मेंशन क्राइटेरिया है उसी में डीले एक्सेप्टेड हो राइट right? नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन नाइन्टी डिस्पोजल ऑफ अनरिमूव गुड्स एट स्टेशन इस सेक्शन में जो है बहुत सारी फैक्टर्स uh, दी गई हैं कि कैसे किसी गुड्स को आप जो है रिमूव uh, करेंगे जो भी उसमें टाइम दिया गया है उस टाइम के दौरान जो इस गुड्स को रिमूव कर लेना है अगर वो नहीं हो पाता है तो किस तरीके से उसका ऑप्शन करना है या सेल एट वंस करना है एक बार में उसको सेल कर देना है ये सारी चीजें मतलब डिस्पोजल ऑफ अनरिमूव गुड्स के बारे में इस सेक्शन में बताया गया है यहाँ पे हम देख सकते हैं कमेंट में कि सेक्शन नाइनटी प्रोवाइड्स फॉर द मैनर ऑफ डिस्पोजल नॉट रिमूव फ्रॉम द नोटिफाइड स्टेशन वो सारी गुड्स जो कि नोटिफाइड स्टेशन से रिमूव नहीं हुए हैं उनको कैसे डिस्पोज ऑफ करना है इस सेक्शन के बारे में बताया गया इस सेक्शन में बताया गया है सेक्शन 91 कहता है कि प्राइस टू बी पेड टू पर्सन इन आफ्टर डिडक्टिंग ड्यूज मतलब जो भी आ, उसमें जो भी हम फी लेना था जो भी चार्जेस फ्रेट चार्जेस वगैरह रिकवर करना था उस नोटिफाइड गुड्स के लिए वो चार्जेस तो हम ले ही लेते हैं साथ ही साथ अगर को, कोई भी चार्जेस ड्यू है अगर कोई चार्जेस हमें डिडक्ट करके उनको रिटर्न करना है वो भी करते हैं या कोई चीजें चार्जेस ड्यू है तो उसको हम रियलाइज भी कर लेते हैं अंडर सेक्शन नाइन्टी वन नाइन्टी टू कहता है पावर टू मेक रूल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स इन दिस चैप्टर तो इनफैक्ट पूरे पूरे रेलवेज एक्ट में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हर चैप्टर के अंदर रूल बनाने का पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को है तो सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन कोई भी रूल्स बना सकती है जिससे कि इस चैप्टर के में दिए हुए जो भी सेक्शन है उसको सही सलामत तरीके से यूज़ किया जा सके और किसी तरीके से कोई प्रोजेटाइज कोई भेदभाव या किसी तरह से जनरलिटी या और भी ऐसे क्लॉजेज हैं उनको लेटो करके राइट तो सेक्शन नाइंटी टू इमर्स रूल इन सेवर्मेंट इसमें अब रूल वगैरह फ्रेम कर सकती है तो ये रहा चैप्टर 10 के बारे में जो कि ब्रीफ में बताता है आपको किस तरीके से नोटिफाइड स्टेशन होते हैं और कैसे वहां पे गुड्स की हैंडलिंग होती है कैसे डिस्पोजल ऑफ होता है कैसे रूल्स बनता है तो ये चैप्टर के बारे में ब्रीफ आइडिया है कल हम देखेंगे चैप्टर एलेवन जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन एज कैरियर्स क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन का एज ए कैरियर्स उसके बारे में हम लोग कल देखेंगे सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस हैव अ गुड डे